हमारे अज्ञात को जेल में डाले आसो। अब दिखाते इस बार कौन से खींचे डालना। ये बार कौन भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं, जेडीएस भी नहीं, हत्ती भी नहीं, जाएंगे तो 21 पार्टी एचडीपी। आने वाला इलेक्शन है ना, जनरल इलेक्शन जी। तो इस बार पुलकेशी नगर असेंबली में आप लोगों की राय और किसे सपोर्ट करने का इरादा आपका कीमती होते हैं? देखो भाई साहब, हमें तो पैदा हुई छाछ, हमारी 40 साल से हम यहाँ बड़े हुए, हमारा पूरा खानदान यहाँ है। हमें अब तक भी कांग्रेस को वोट डाले, हमारा पूरा खानदान कबीला पूरा कांग्रेस को वोट डालते। लेकिन इस बार का जो इलेक्शन है, ये हमें दाल को देखे, इन्हें क्या बोलता है, 80,000 वोट से जीतिया हमें, 80,000 वोट से जीतिया हमें, कितने टाइम बोला है। लेकिन इसे जीता इसको 80,000 वोट, हमारे अध्यक्ष ना एक अच्छा ईमानदार आदमी को हमें जीता है। लेकिन जीता को हमें अंजाम हमें भुगते, उन्हें क्या बोलिया कोसे के मोहल्ले साहब को गलाटे कर रहे क्या। लेकिन आज जेल में कौन ही सो, हमारे अध्यक्ष ही सो, देश मरे से कौन, हमारे अध्यक्ष मरे सो। आज भी जेल में 30 पर आज भी 30 पर नौजवान हमारे अध्यक्ष ही सो, उनके बच्चा के घर उनके घर जाकर देखो बच्चे कैसा बिल बिला रिंग देखो। अब हमारे घर में कौन भी रखा, हमारा दर्द नहीं है। जिसके घर में जेल में है उसे माल मोरा, उसका भारत बनने के मैसेज क्या हो रहा है। हमारे घर में भारत बने, हमने क्या भी नहीं माल मोरा है। जिसके घर में भारत बने, किसी का बाप नहीं है, किसी का भाई नहीं है, किसी का बेटा नहीं है, किसी का बेटा शहीद होगा उनको मालूम। इन हले तो बोलता 80 पर 2,000 वोट से जीतिया हमें, 80 पर 2,000 वोट से जीतिया, कौन जीता है तुझे 80 पर 2,000 वोट से? हमें जीता है सो, हमारे अज्ञात तू गोलियां मारे आसो, हमारे अज्ञात तू जेल में डाले आसो। अब दिखाते इस बार कौन से खींचे डालना। ये बार कौन भी नहीं, कांग्रेस भी नहीं, जेडीएस भी नहीं, हत्ती भी नहीं, जाएंगे तो 21 पार्टी एचडीपी। एचडीपी को किसे भी नहीं, पूरा गाँव एचडीपी के साथ है, इंशाल्लाह एचडीपी आएंगे। उस भास्कर प्रसाद अच्छा काम करे, गुजरात के वास्ते बात करे, आजाद के वास्ते बात करे, जो भी हमारे मसले हैं उन्हें भास्कर प्रसाद उसके वास्ते में काम करेंगे, एचडीपी को काम करेंगे इंशाल्लाह।